जिसके गोद में उनका बचपन पला बड़ा हुआ, जिससे दिलोजान से प्रेम करते थे, और अंत में कहते हैं कि तकिया दे दो। न चाहते हुए भी अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया और दो बाण पितामह भीष्म को यहां से मारे, इस फोर्स से, उस स्पीड से मारे कि बाण ऐसे गए नीचे और ऐसे नीचे गए कि मस्तक ऐसे ऊपर कर दिया। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो था ही अर्जुन। तो इस प्रकार बाण की शैया पर सोए थे, हाथ के ऊपर बाण भूमि पर लगा हुआ था। तो ऐसी अवस्था में पितामह भीष्म ने इतने इतने ऋषि मुनियों का कैसे स्वागत किया होगा, यह प्रश्न हो सकता है ना। तो इसका उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, देश काल विभाग वित्त। पितामह भीष्म देश काल और पात्र के अनुसार कैसे स्वागत करना ये सब कुछ जानते थे। पूजिया मास धर्मज्ञो, किसी की कैसे पूजा करनी ये पितामह भीष्म जानते थे। अतिथि का कैसे स्वागत करना, पूजिया मास माने अतिथि की पूजा करना, स्वागत करना। धर्मज्ञो, अतिथि का स्वागत करने का क्या धर्म है, पितामह भीष्म जानते थे। भक्तों, शास्त्र में लिखा है कि हमारे घर पर आए हुए अतिथि का ऐसा स्वागत करे कि यदि वह दुश्मन भी हो तो वह दोस्त बन जाए, ऐसा स्वागत करे, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। जब गर्गाचार्य नंद बाबा के घर पर गए तो वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आनर्च अधोक्षज दिया। गर्गाचार्य तो ऋषि मुनि थे, लेकिन उस ऋषि मुनि को भगवान समझकर स्वागत किया। किसने? भगवान के पिता ने। ये तो बताइए, कृष्ण के पिता को किसी का स्वागत करने की जरूरत है? हम लोग सोचते हैं, हम लोग इतने बड़े भगत हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, अब दूसरों का स्वागत करने की क्या जरूरत है। कृष्ण के पिता नंद बाबा जब स्वागत करते हैं तो हम क्या है? और कैसा भगवान समझकर अतिथि का स्वागत किया। भागवत के पंचम स्कंद के अंत में वर्णन है कि जिनके घर पर अतिथि आते हैं और अतिथि को देखकर जो प्रसन्न नहीं होता है, जो अपना मुंह बिगाड़ता है, ये साला कहाँ आ गया सोने के टाइम पर, है? हमारा सोने का समय था और ये आ गया है? आज तो लोग इतने एडवांस हो गए हैं कि ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि इंटरकॉम करके सिक्योरिटी को कह देते हैं आने मत देना किसी को। अतिथि बेचारा कितना दूर से आया, कितना परिश्रम करके आया, कुछ नहीं देखे। जो लोग अतिथि का स्वागत नहीं करते हैं उसे भी मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। और हमारा वैदिक इतिहास तो हमें प्रेरणा देता है कि दुश्मन भी घर पर आए तो ऐसा स्वागत करें। क्योंकि प्रश्न एक प्रश्न बन सकता है आप लोगों का कि शास्त्र में ऐसा कहा कि अतिथि का स्वागत भगवान की तरह करना चाहिए, अतिथि को भगवान मानकर उनका स्वागत करना चाहिए, तो यदि कोई डाकू चोर हमारे घर पर आ गया तो उसे भी भगवान माने तुरंत? मनुष्य तो प्रश्न कर सकते हैं। तो उस समय भागवत क्या शिक्षा देता है? हाँ, डाकू और चोर भी अपने घर पर आए हो, लेकिन ऐसा स्वागत करे कि उस डाकू और चोर की बुद्धि भी पलट जाए। इतिहास साक्षी है भक्तों, विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। ध्यान से सुनिए ये कथा, क्योंकि ये चीज हमें हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन उनको प्रेरणा मिली, उनकी इच्छा हुई कि मैं ब्राह्मण बनूं, और ब्राह्मण बनने के लिए विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की। हमारे वैदिक इतिहास में ये प्रथम ऐसे ऋषि थे जिन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मण करने के लिए सबसे ज्यादा तपस्या कर ली। ब्रह्मा जी आए, उन्हें ब्रह्मर्षि कह दिया, देवताओं ने देवर्षि कह दिया, राजर्षि कह दिया, सारी डिग्री मिल गई, ब्राह्मण की सारी डिग्री विश्वामित्र को मिल गई, यद्यपि वो क्षत्रिय थे। लेकिन उन दिनों वशिष्ठ नाम के ऋषि हमारे भारत में रहते थे,
वो विश्वामित्र को क्षत्रिय नहीं मानते थे और वशिष्ठ जी विश्वामित्र को क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसलिए जितने भी ब्राह्मणों का समाज था वो भी विश्वामित्र को क्षत्रिय नहीं मानते थे। जब विश्वामित्र जाते तो ब्राह्मण बोलते आ गया क्षत्रिय, और ये खार खा जाते थे, मुझे क्षत्रिय बोल रहा है, मैं तो ब्राह्मण हूं, इसको ब्राह्मण बनना पसंद था। तो जहां जाते लोग उसे क्षत्रिय कहते, क्षत्रिय कहते। विश्वामित्र पूछते आप लोग मुझे क्षत्रिय क्यों कह रहे हो? बोले क्योंकि हमारे वरिष्ठ वशिष्ठ जी आपको क्षत्रिय मानते हैं, इसलिए हम आपको क्षत्रिय कहते। यदि वशिष्ठ जी आपको ब्राह्मण कहते तो हम आपको ब्राह्मण मानेंगे। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए, बोले तुम मुझे क्षत्रिय क्यों मानते हो, ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हो? बोले तुम में ब्राह्मणों का लक्षण तो होना चाहिए, मुझे कोई लक्षण नहीं दिख रहा है ब्राह्मण का, इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं कहता हूं। इसके हृदय में आग जल रही थी, किसके? विश्वामित्र के हृदय में। बोले ये वशिष्ठ मुझे क्षत्रिय क्यों नहीं कह रहा है, एक काम करता हूं, ये वशिष्ठ जी का गला काट देता हूं, वशिष्ठ जी को मार डालूंगा तो फिर संसार के लोग सब लोग मुझे ब्राह्मण कहेंगे, फिर कोई है वो नहीं। तो एक दिन तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी के घर पर चले गए और वशिष्ठ के घर पर बिस्तर के नीचे जाकर छुप गए। और उस समय एकांत कमरे में वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों आए। अब देखिए वशिष्ठ जी को शायद पता होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पता ही होगा कि अतिथि घर पर आ चुके हैं। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को न तो ड्राई फ्रूट मिल्कशेक पिलाया, न भोजन कराया, न हार पहनाया, लेकिन इतने सुंदर शब्द का उच्चारण किया है कि विश्वामित्र की बुद्धि ही पलट गई। हमारा इतिहास देखिए सुनिए, उसी कमरे में प्रांगण खुला था और अरुंधति वशिष्ठ जी पति पत्नी दोनों बैठे थे और अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ जी को कहा, पतिदेव आज पूर्णिमा का चंद्रमा कितना चमक रहा है। अब ये जान चुके थे अतिथि घर पर आ गए, तब वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय जैसे ये चंद्रमा की चांदनी ही पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, वैसे ही विश्वामित्र जी की तपस्या का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। जैसे इस चंद्रमा की चांदनी के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का पोषण हो रहा है, वैसे विश्वामित्र जी की तपस्या के द्वारा पूरे ब्रह्मांड का पोषण हो रहा है। क्या बताऊं प्रिय, विश्वामित्र जैसा तपस्वी ब्राह्मण इस संसार में कोई नहीं। तब अरुंधति ने पूछा, अरुंधति बिचारी नहीं जानती थी कि अतिथि आए हैं कि नहीं, तो बोले पतिदेव तो फिर आप उसे ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हो? यदि आप उनके इतने गुण को जानते हो तो आप उसे ब्राह्मण क्यों नहीं स्वीकार करते हो? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि उसमें सारे गुण तो हैं, लेकिन अभी भी वो शस्त्रों को हाथ में पकड़कर बैठते हैं, वो हाथ में तलवार लेकर बैठे थे। बोले गुण तो है लेकिन काम नहीं छोड़ते हैं, वो अभी भी शस्त्र को हाथ में लेकर घूमते हैं। जब एकांत स्थान में बैठकर उनकी अनुपस्थिति में विश्वामित्र जी ने अपनी प्रशंसा सुनी, तब तो वो पानी पानी हो गए। बोले मैं ऐसे व्यक्ति के गला काटने के लिए आया जो मेरी इतनी प्रशंसा करता है? तुरंत वशिष्ठ जी नीचे से बाहर निकले, दोनों हाथ जोड़कर विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। महाराज मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आज मैं आपका वध करने के लिए आया था, आज मैं आपको मारने के लिए आया था। तलवार तलवार अपने हाथ से छोड़ दी, गिर गए चरणों में। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को उठाया, नहीं नहीं ब्रह्मर्षि, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। जीवन में प्रथम बार वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को कह दिया आप ब्राह्मण, क्यों? क्योंकि तलवार हाथ से गिर गई थी, तलवार को हाथ से छोड़ दिया। तो भक्तों यह कथा से तो बहुत उपदेश है, लेकिन मुख्य उपदेश ये है कि जो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का गला काटने के लिए घर पर आए थे,
लेकिन इतने मीठे शब्दों में इतना सुंदर स्वागत किया कि इसकी बुद्धि ही बदल गई, पलट गई। तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए। पितामह भीष्म पूजिया मास धर्मज्ञो, देश काल विभागवित। किस देश में, किस काल में, कैसे लोगों का स्वागत करना, ये पितामह भीष्म जानते हैं। अब जिस समय वह शरसैया पर लेटे हैं, उस समय दोनों हाथ जोड़कर खड़े तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो लोग आए हैं उनका नाम लेकर नमः बोल देना, यही सबसे बड़ा स्वागत है। श्री वशिष्ठाय नमः, विश्वामित्राय नमः, अत्रिय नमः। तो इस प्रकार से सबको नमस्कार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है, जब इन ऋषि मुनियों को देखकर पितामह भीष्म ने स्वागत किया, सभी ऋषि मुनियों के पीछे कृष्ण को देखा, कृष्ण का स्वागत कैसे किया? सुध गोस्वामी कहते हैं, कृष्णम च तत् प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। कृष्णम च तद् प्रभावज्ञ, पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रभाव को जानते थे। कृष्ण का क्या प्रभाव है, भले एक ग्वाले की तरह हाथ में बांसुरी रखकर हैं, हाथ में धनुष बाण कुछ लिए बिना ऐसे ही आए हैं, दिखने में तो एकदम सरल है, साधारण है, लेकिन कृष्ण का क्या प्रभाव है ये पितामह भीष्म जानते हैं। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञम आसीनम जगदीश्वरम, पितामह भीष्म जानते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो पूरे जगत का ईश्वर है। और आज जगत का ईश्वर पूरे जगत को छोड़कर मुझ निहत्थे का दर्शन देने के लिए यहाँ पर आ गया है। हृदयस्थम पूजयामास, सुध गोस्वामी कहते हैं, वैसे तो पितामह भीष्म कृष्ण की रोज पूजा करते थे। किस कृष्ण की? हृदयस्थम, जो कृष्ण परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, उस कृष्ण की तो पितामह रोज पूजा करते थे, लेकिन परमात्मा के रूप में हृदय में रहने वाले कृष्ण आज प्रकट रूप से सामने आए हैं। अतः हृदयस्थम पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। पितामह भीष्म जानते थे कि जन जन के हृदय में रहने वाले ये वही परमात्मा, कण कण में रहने वाले यही ब्रह्म, अपने धाम में नित्य जगत में नित्य रूप से रहने वाले माया उपात्त विग्रम, योग माया का सहारा लेकर इस भौतिक संसार में प्रकट हुए हैं। माया का सहारा लेकर संसार में आए हैं, योग माया का सहारा लेकर वो खुद भौतिक जगत में आए, और महामाया का सहारा लेकर संसार के लोग को पहचानने नहीं देते। कृष्ण यदि आज हमारे सामने आ जाए, फिर भी हम उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि माया का पर्दा कृष्ण के बीच में है। तो माया पात विग्रहम, पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का भी स्वागत किया। और पांडवों का कैसे स्वागत किया, पांडवों ने क्या किया? सुध गोस्वामी कहते हैं, पांडु पुत्रान उपासिनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रेर अंधिभूतेन चक्षुषा। पांडु पुत्रान उपासिनान, पांडवों ने दूर से पितामह भीष्म को देखा, दौड़ कर पितामह भीष्म के पास जाकर बैठ गए। एक भाई चरण के पास बैठा, दो भाई जंगा के पास, दो भाई भुजाओं के पास बैठ गए, सब पितामह के पास सट कर, दूर नहीं बिल्कुल सट कर पितामह के पास बैठ गए। कारण प्रशय प्रेम संगतान, क्योंकि अपने दादा से, अपने पितामह से बहुत प्रेम करते थे। प्रश्रय बहुत बहुत प्रेम करते थे,
और विनम्रता से ये पांडव गण वहां पर बैठ गए। और पितामह भीष्म ने जब अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरे पांच पुत्र आए हैं, पांडव आए हैं, कुंती के पुत्र, मेरे पांडु के पुत्र आए हैं, और उसमें भी युधिष्ठिर को देखकर आज तक पितामह भीष्म के आंखों में आंसू नहीं आए थे। भक्तों, दुनिया की कोई ताकत आज तक पितामह भीष्म को झुका नहीं सकी थी, लेकिन अपने बच्चों को देखकर पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। अव्या चष्टा अनुरागाश्रे अंधी भूतेन चक्षुषा, पितामह भीष्म की आंखें आंसू से भर गई। लेकिन वीर थे ना, जो वीर होता है ना वो किसी के सामने रोता नहीं। पितामह भीष्म के आंखों में आंसू तो आ गए लेकिन गिरने नहीं दिए, वे आंसू से आंखें भर गई, और आंसू से आंखें भरने के कारण अंधी भूतेन चक्षुषा, मानो पितामह भीष्म की आंखें अंधी हो गई। वो जो दृश्य था बिल्कुल, है ना, आंखों के आगे जब पानी आ जाए तो कैसे दृश्य वो हो जाता है, वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वक्त तो दो प्रकार के आंसू होते हैं, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, और जो सुख के आंसू होते हैं ना वो ठंडे होते हैं। पितामह भीष्म की आंखें आज आंसुओं से भरी हुई हैं और पांडवों को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। ये तो वैसे ही जैसे श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों से कहती हैं, सखी सखी तुम कितनी भाग्यशाली हो कि श्याम सुंदर यहां पर आए और तुम लोगों ने श्याम सुंदर को देखा। मेरा दुर्भाग्य तो देखो, श्याम सुंदर के विरह में रात दिन रोती रहती हूँ, और श्याम सुंदर जब मेरे सामने उपस्थित हुए, मेरे सामने आए, तो मुझे इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि आनंद के आंसू से मेरी आंखें भर गई और मैं श्याम सुंदर को ठीक से देख नहीं पाई। जीवन में ऐसा समय आता है, पितामह भीष्म के आंखों में आंसू, पांडवों की आंखों में भी आंसू। आज पांडवों की आंखों में इसलिए आंसू हैं कि जिन दादा के गोद में हम लोग खेला करते थे, हमें जो वस्तु हम इच्छा करते थे हमारे दादाजी हमें लाकर देते थे, उन्होंने अपना प्रेम दिया, अपना सब कुछ दे दिया, और आज हमारे दादाजी इस शर सैया पर सोए हुए। पांचों पांडव के आंखों में आंसू और युधिष्ठिर महाराज तो रो ही रहे थे, और पितामह भीष्म की आंखों में इसलिए आंसू आया क्योंकि उनका पांडवों के प्रति बहुत प्रेम था, और दूसरा कारण युधिष्ठिर महाराज के शोक को देख लिया। बाप है ना, एक पिता को अपने पुत्र के मन को पढ़ने में देर नहीं लगती है। दुनिया के लोग चाहे समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन एक बाप अपने पुत्र को तुरंत समझ जाता है कि ये अंदर से क्या सोच रहा है, भले बाहर से कुछ भी बोलता हो, लेकिन पिता है ना, बाप आखिर बाप होता है, वो सब समझता है लेकिन बोलता नहीं है। पितामह भीष्म समझ गए ये मेरे पुत्र आज दुखी हैं और युधिष्ठिर के हृदय में शोक है, आंसुओं से अपनी आंखें भर गई, और पितामह भीष्म अफसोस करते हुए बोलने लगे, अहो कष्टम अहो न्यायम। पितामह भीष्म को बहुत दुख हो रहा है, आंखों में आंसू है, पांडवों को देख नहीं पा रहे हैं, परंतु क्या बोल रहे हैं। अद्भुत प्रवचन पितामह भीष्म का, अद्भुत, आज के मानव समाज के लिए है। आज तक पितामह भीष्म ने जितना दीर्घ उपदेश दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। भागवत में तो बहुत संक्षिप्त में है, महाभारत के शांति पर्व में, शांति पर्व में अनेकों श्लोकों में सर्वप्रथम तो अफसोस करते हैं। आपने गुजराती में कहने निशासो नाखे,
अहो कष्टम अहो न्यायम् यत् यूयम् धर्मनन्दना जीवितुम् नार्हथ क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रया। अहो कष्टम अहो न्यायम् यद् यूयम् धर्मनन्दना। अहो कष्टम, पितामह भीष्म कहते हैं कितने दुख की बात है मेरे पुत्रों। बेटा युधिष्ठिर, तुम लोग धर्म के पुत्र हो, धर्मनंदना बहुवचन, ये धर्मनंदना शब्द बहुवचन में है, पांडवों के लिए कह रहे हैं और मानो मात्र युधिष्ठिर के लिए यदि कह रहे हो तो आदर के साथ कह रहे हैं। हे बेटा, तुम धर्म के पुत्र हो और धर्म के पुत्र होकर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट आया, तुम्हारे जीवन में इतना दुख, तुम्हारे जीवन में इतना दुख, ये तो बहुत बड़े कष्ट की बात है, ये तो अन्याय की बात है, क्योंकि तुम लोगों के जीवन में दुख आना ही नहीं चाहिए, है ना। भक्तों के जीवन में दुख कभी नहीं आना चाहिए, भक्तों के जीवन में दुख आए ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय है। कौन कह रहा है? पितामह भीष्म, क्योंकि सारी नीति को जानते हैं। अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदना, धर्म के पुत्र होकर भी, धर्म के मार्ग पर चलकर भी, धर्म की नीति के ऊपर चलकर भी तुम्हारे जीवन में दुख कभी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी आया। जीवितुम नार्हतम क्लिष्टम, तुम्हारा जीवन दुख भोगतने के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन दुखी होने के लिए नहीं है। क्यों? मानो प्रश्न पूछा जाए पितामह भीष्म को, क्यों भाई पांडवों के जीवन में क्यों दुख नहीं आना चाहिए? तब कितनी सुंदर बात बताते हैं कि इस संसार में उस व्यक्ति के जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं आना चाहिए जिन्होंने विप्र धर्म अच्युत आश्रया, जिसने इन तीन वस्तु का आश्रय ले लिया उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आना चाहिए। उन लोगों के जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है जो लोग वैष्णवों के आश्रय में रहते हैं, जो लोग धर्म के आश्रय में रहते हैं और जो लोग अच्युत भगवान के आश्रय में रहते हैं। विप्र धर्म और अच्युत भक्तों, इस संसार में यदि सुखी होकर रहना है तो ये तीन लोगों के आश्रय में रहना होगा। कभी कभी भक्तों के जीवन में भी दुख, क्यों? क्योंकि आश्रय नहीं है, खुद गुरु बनकर बैठ गए हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं, हम ही सर्वे सर्वा, यही है दुख का कारण। विप्र ब्राह्मण को, शुद्ध भक्त को यदि आश्रय बना लिया, साथ ही साथ धर्म को आश्रय बना लिया और साथ ही साथ कृष्ण को जिन्होंने आश्रय बना लिया, उस व्यक्ति के जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं आ सकता। भक्तों, इस सिद्धांत को समझने के लिए अनेकों दृष्टांत, अनेकों इतिहास, बहुत कुछ बातें हैं, परंतु हम लोग समय की मर्यादा में बंधे हैं, क्या करें, हम लोग कम वक्त है, कम वक्त वाले हैं, वक्त बहुत कम रहता है, अब क्या करें। पितामह भीष्म की स्तुति तक पहुंचना था, तीन ही दिन था, तो आज मैं ये लोगों को कहकर बैठा था कि आप सब तैयार रखना, आज भीष्म स्तुति शुरू कर देंगे, लेकिन अब हमारी आदत ही बिगड़ी हुई है कि हम किसी भी विषय को क्लियर किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। और वास्तव में कल ब्रह्मतीर्थ प्रभु कह रहे थे, उसी में आनंद है, पितामह भीष्म की स्तुति हो या न हो, भूमिका कितनी सुंदर है। आप इतना तो सोचिए, जब भीष्म स्तुति की भूमिका इतनी मजबूत है, इतनी सुंदर है, वह जब स्तुति प्रारंभ होगी तब तो रस बरसेगा, लेकिन अब वो रस मात्र हमारे लिए दो दिन है। तो जो भी है, ईश्वर कृपा से जो भी संयोग मिला, तो ये दो दिन तक, जो भी शेष दो दिन बचे हैं,
इसमें यह कथा सुनेंगे, भागवत रस को पिएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण।